वेलकम टू रिटेक्स की रसोई। और आज हम बनाने वाले भटूरा। तो सबसे पहले मेरे पास है मैदा, तेल, कस्तूरी मेथी, चावल का आटा, नमक, दही, चीनी और बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर। अब हम मैदा में तेल डालते हैं। उसके बाद मैं डाल रही हूँ चावल का आटा, नमक, दही। उसके बाद मैं डाल रही हूँ कस्तूरी मेथी, चीनी, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर। अब हम सबको मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद हम इसमें पानी डाल के सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। ये बन चुकी है। ये बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफी है। आपको भी बिल्कुल ऐसे ही बनाना है। अब मैं इसे बेल लेती हूँ और उसके ऊपर काला तिल और कोरिएंडर लीव्स और उसके ऊपर से हल्का आटा डाल के हम इसे बेल लेते हैं। जब तिल गर्म हो जाए तो मैं इसमें भटूरा को डाल देती हूँ। हमें इसे धीमी आंच में पकाना है और जब एक साइड फूल जाए तो दूसरे साइड भी अच्छे से हमें पका लेना है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं भटूरा पूरी तरीके से फूल चुका है। भटूरा बन के तैयार हो चुका है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी है। आप इसको छोले के साथ एक बार तो जरूर ट्राई कीजिएगा। एंड अगर आपको छोले की रेसिपी देखनी है तो मैंने लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।